मैं कहता हूं मर्द के लिए औरत पर हाथ उठाना गैरत के खिलाफ है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि मर्द को अल्लाह ने औरत पे हाथ उठाने की इजाजत दी है। एक साहब मुझे कहने लगे यार कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा देखो कुछ डायलॉग बोलने की हद तक बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर हाथ उठाना हर सूरत में हराम होता तो कुरान क्यों तस्करा करता है इसका कि जो शरारती औरतें हैं पहले मोहब्बत से समझाओ, ये कुरान के अल्फाज हैं, मोहब्बत से बाज ना आए बिस्तर अलग कर दो कुछ दिन के लिए रूठ जाओ फिर भी बाज ना आए वसरीबू हुन्ना मार भी सकते हो इनको। हाँ मारने में फिर तफसील बताई गई है कि जानवरों की तरह ना पीटा जाए चेहरे पे ना मारा जाए इस तरह। तो बाज सूरतों में आप कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए या तो कुरान गलत है या आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी ये बात, ये गोरा भी इसको मानता नहीं है जो हुकूक के निस्वा करते रहते हैं ना गोरा के हाथ उठाना ही चाहिए, तो सारे लिबरल लोग करते हैं ना, ज्यादातर कूटने पीटने के वाकयात इन्हीं के यहाँ होते हैं। हकीकत बताऊं आपको,